मैंने नहीं देखा था राजवाड़ा, और आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं खुद देख रहा हूँ स्वच्छ शहर इंदौर में, नीट एंड क्लीन सिटी इंदौर। नमस्ते भारत, बहुत दिनों बाद लाइव ब्लॉग पे हूँ और आज अपना ब्लॉग भोपाल की यात्रा समाप्त। अब यहाँ से हम जा रहे हैं इंदौर के लिए, क्योंकि हमारी कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है। फिलहाल हमारा भांजा हमें छोड़ने के लिए आ रहा है, और बाहर का नज़ारा, अगर आप बस में बैठे हैं तो फिर आपको बाहर के नज़ारे तो देखने को मिलते ही रहेंगे। सो कुछ इस तरह, तो भैया अब हम पहुंच गए हैं भोपाल के नगर पालिका निगम कुशा भाऊ ठाकरे बस टर्मिनस, और बस खड़ी होती है उस टाइड उस साइड। तो फिलहाल हम बस ढूंढेंगे कि भोपाल से इंदौर की बस मिलेगी, और वो बस पकड़ के हम इंदौर पहुंचेंगे। शाम के बज गए हैं 5 और हम पहुंच गए बस टर्मिनस। तो फिलहाल तो हम पहुंचते हैं, तो भाई फाइनली हम बस स्टैंड तो पहुंच गए, यहीं से हमें इंदौर की बस मिलेगी। मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पर रॉयल मोबाइल। तो फिलहाल क्या प्रॉब्लम है अब ये तो हासिम भाई बताएंगे, क्योंकि किसी भी डॉक्टर ही मरीज का इलाज कर सकता है। और स्टैंड में पहुंच गए हैं और शाम के 6:30 बज रहे हैं। हमारी बस है ये जो कि हमें लेके जाएगी इंदौर, और अपनी लग्जरी बस में, और इसी बस से हम जा रहे हैं। और हाँ, ये बस है श्रीनाथ ट्रेवल्स, हमारी सीट सबसे पहली वाली सीट हमारी ही है। बस हमारी चल पड़ी है और अब हम इंदौर के हाईवे पे हैं। रात के बज गए हैं 9:30, और 9:30 बजने के बाद हमारी बस आ गई है यहाँ पे पप्पू का ढाबा। अब ये पप्पू के ढाबे पे हमारी बस रुकी है, और यहाँ पे हम सभी लोग खाना वाना खाएंगे, जो सवारियों को खाना खाना है। यहाँ पे जब आप इस काउंटर पे आते हो तो यहाँ पे आपको ऑर्डर करना है, और सर्व करने के लिए अलग से काउंटर है और खाने के लिए अलग से। तो इनका ये मेनू कार्ड देख के, आप देख रहे हैं पप्पू जी का ढाबा, और इनका मेनू कार्ड ये है। तो आप जब फिलहाल हम इसमें से कुछ ऑर्डर करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं जानकारी के लिए, ये मेरी प्लेट है, मैंने ऑर्डर किया था एक, क्योंकि आपने ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में देखा होगा कि मैं दाल और रोटी ही खाता हूँ। के भी छोटे होटल पे जाता हूँ तो वहाँ पे दाल रोटी के साथ आपको प्याज और मिर्च कम से कम मिल ही जाता है, प्याज मिर्च और नींबू। तो आप जितने बड़े होटल में आते हो वहाँ पे सिर्फ आपको दाल रोटी, अगर आपने अपनी बटर रोटी ऑर्डर की है तो बटर रोटी, और उसके बाद आपको ना कोई मिर्च मिलेगी, ना प्याज मिलेगी, ना नींबू मिलेगा। के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि खाने का स्वाद खाने के बाद ही बताऊँगा, क्योंकि बिना खाए हम किसी के खाने की ना तो तारीफ करते हैं ना ही बुराई करते हैं। तो खाने के बाद खाने के स्वाद के बारे में भी बता दूँ। हम ही लेट हो गए थे खाना खाने में, और बस चल निकली थी, बस ने लाइट वाइट चालू कर दी, ड्राइवर वगैरह सब तैयार हो गए, तो हम ही लेट रह गए थे सबसे नए लास्ट में। तो फिलहाल तो भैया ने बस रोक ली थी, क्योंकि मैं सबसे पहली वाली सीट पे बैठा था, तो भैया को पता चल गया। अब हम पहुंच गए इंदौर, और इंदौर पे सिटी में एंटर कर लिया हम लोगों ने। बस हम उतर गए अपनी बस से यहीं पे, फिलहाल हमें जाना है एयरपोर्ट के लिए, तो यहाँ से हम टैक्सी लेंगे, और टैक्सी लेने के बाद हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल हम रेडिसन ब्लू से निकल चुके हैं और ये ऑटो ले लिया है हमने, और अभी नीट एंड क्लीन और भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, जिसकी पूरी दुनिया में, देश और दुनिया में तारीफ होती है। स्वच्छ इंदौर, स्वस्थ इंदौर एंड काफी खूबसूरत इंदौर। रात को बज गए 1 और 1 बजे हम एयरपोर्ट जाने की तरफ, तो हमने ऑटो वाले भैया को बोला कि भैया यहाँ पे चाय की दुकान कहाँ मिलेगी, और चाय के हम शौकीन हैं। सो इंदौर में चाय की दुकान हमें मिली है यहाँ पे। रात को 1 बजे हम चाय पीने आ गए, फिलहाल हम चाय पियेंगे, फिर ऑटो वाले भैया को लेके जाएंगे, बाकी इंदौर की कहानी आगे सुनाएंगे। यहाँ से हम गुजर रहे हैं वो है यहाँ का राजवाड़ा इलाका। इंदौर नंबर 1 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इस तरह सफाई होती है रात को,
और ये सफाई की गाड़ी है जो कि अपना काम कर रही है, देख पा रहे होंगे आप। और हम पहुंच गए अब राजवाड़ा इलाके में। मैंने नहीं देखा था राजवाड़ा, और आज अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं खुद देख रहा हूँ और आप लोगों को भी राजवाड़ा दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल हम राजवाड़े को छोड़ के आगे निकल गए हैं, और तो ये इधर की साइड ये मशीन खड़ी है, और ये खजूरी बाजार। खजूरी बाजार में क्या मिलता है भैया? कॉपी किताब है। ओके, तो भाई फाइनली हम पहुंच गए अब एयरपोर्ट पे, और इंदौर का एयरपोर्ट है देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा इंदौर। दूर दूर तक अभी तक यहाँ पे कोई नहीं है, लगता है कि मैं ही हूँ अकेला। सुबह शायद मेरे लिए ही फ़्लाइट आएगी, तो मेरी फ़्लाइट है दिल्ली की, समय पर है। नहीं अभी नहीं दिखा रही, इसमें डिस्प्ले में नहीं दिखा रही, बाद में दिखाएगी। खैर हमें जाना है यहाँ से अंदर। तो पहुँच तो गए हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सुबह 6 बजे तक अब हमें यहाँ पे इंतजार करना है। एयरपोर्ट के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, ये है पुण्य देवी माँ होलकर जी जिनके नाम से ये एयरपोर्ट है। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा इंदौर का ये एयरपोर्ट और कैसा लगा आज का ये ब्लॉग। कल फिर मिलते हैं नई जगह से नए लोगों के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्ते भारत।